लोग, समाज, सरकार सब लोग संतों की बात का पालन करते हैं। इसलिए पूरी व्यवस्था कमेटी ने ये बातें लिखी और कहा कि संतों के द्वारा ये बातें बताई जाएं। आप ध्यान देकर सुनना। पहली बात बताई है, कैमरा और ड्रोन वाले जितने भी भाई हैं, आप सब लोग, मैं ये बातें पढ़ूं और उसके बाद में सबकी भागीदारी के राह रूप में जब हाथ उठाए ना, ये सारा कैमरे में कैद होना चाहिए। ठीक है, पहले आप सब लोग ये बातें सुन लो। पूरी कमेटी का यही निवेदन है, आगे भी कई लोगों ने कहा कि हम लोग एकत्रित हुए हैं, सबने अपना अपना वक्तव्य दिया, अपने अपने मन की बातें बताई, पर यदि आप लोग घर जाओगे, लोग पूछेंगे जोधपुर क्यों गए थे, जोधपुर क्यों गए थे। मैं गया का कारण क्यों गया था, अमुक लोग बोल दिया, ताली बजा करे आया। नहीं नहीं, हम ऐसे ही जोधपुर नहीं आए हैं, यहां एकत्रित होने के बाद में पीछे बहुत बड़ा राज है। हमारी मांगे हैं सरकार से कि हमारी मांगे हैं, देवासी समाज लाखों की संख्या में यहां एकत्रित हुआ है और देश आजादी के बाद में पहली बार समाज का इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है तो आज जोधपुर में हुआ है। इन व्यवस्थापकों को बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग 2 महीने से लगे हुए हो और बहुत सुंदर व्यवस्था की है। ध्यान देकर सुनना। पहली बात लिखी है कि आरक्षण, फिक्सिंग, क्या लिखा है आरक्षण, हाँ, आरक्षण विसंगतियां दूर की जाए। जो आरक्षण की विसंगतियां हैं, जिनका समाज के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है, देवासी समाज की मांग है कि जिन विसंगतियों से समाज को नुकसान हो रहा है, वो विसंगतियां समाज के ऊपर से हटा दी जाए। इसमें पूरा समाज एकत्रित होकर कह रहा है कि विसंगतियां हटा दी जाए। हर हर, हर हर, हर हर, पहली मांग यह है कि हमारी विसंगतियां दूर की जाए, आरक्षण के प्रति जो है। दूसरी लिखी है कि हम लाखों की संख्या में हैं, पर जितने हमारी संख्या के हिसाब से जितनी राजनीति में हमारी भागीदारी होनी चाहिए वो अभी तक हमें नहीं मिली है। जितने होनी चाहिए भागीदारी है, पर जितनी होनी चाहिए इतनी भागीदारी नहीं है। इसलिए पूरा देवासी समाज सरकार से ये मांग करता है कि हमारी संख्या के हिसाब से राजनीति में हमारी भागीदारी हो। हर हर, हर हर, हर हर। तीसरी बात लिखी है, हर ब्लॉक जिला स्तर पर शैक्षिक शिक्षण संस्थाओं का निर्माण हो। हर ब्लॉक पर जहां जहां जरूरत हो वहां शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया जाए। इसमें भी पूरा समाज एकजुट होकर सरकार से मांग करता है कि हमारी शिक्षण संस्थाएं हर जिला ब्लॉक स्तर पर होनी चाहिए। हर हर, ये तीसरी मांग है, हो याद रखना। आप बच्चे के जो बात की थे बोलता गया, मैं हर हर महादेव करता गया, ये हमारी तीसरी मांग है। चौथी मांग लिखी है कि जो पशुपालक है, हमेशा गायें चराते हैं, हरियाणा में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, मेवाड़ गोड़वाड़ जो बाहर घूमते हैं, गायें चराते हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, ऊंट चराते हैं, उन लोगों के पास में रहने के लिए आवासीय जगह नहीं है, उनके पास में पट्टे नहीं है, वो भूमि से वंचित हैं, वो जब घर आते हैं तो उनके